हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इजी सा क्वेश्चन है, फिर भी उसमें दिक्कत आ रही है। तो वो क्वेश्चन है चैप्टर 2 पॉलीनोमियल्स का, क्लास 9th का। एक एग्जांपल लिखते हैं, 6x² + 17x + 5। ये मैंने उस क्वेश्चन का एग्जांपल लिखा है। तो इसमें क्या करना रहता है, ये जो 17x है ना, जो मिडिल टर्म होती है, उसको दो भागों में बांटना रहता है। जैसे 10 है तो 5 + 5, ऐसे दो भागों में बांटना रहता है। तो जिनका ऐड करें ना तो 10 आ जाए। जैसे एग्जांपल पर 5 + 5 10 आ गए ना, ऐसे तो ऐड करें तो 17 आ जाए। और इसमें एक शर्त और रहती है, तो मल्टीप्लाई करें तो 6 और 5 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो 6 और 5 का मल्टीपल क्या होता है, 6 × 5 = 30। और 17 को, जैसे 17 के लिए अब हम दो वर्ड लिखेंगे, जैसे 6x² + 15x + 2x + 5 हो गया ना। अब 15 और 2 कितना होता है, 17x। 17x होता है ना, और इनका मल्टीपल करते हैं, 15 × 2 = 30। और x, और ये x और x, x² बनाएंगे। 6x² को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x² बनेगा ना। अब आपको सिंपली इन में से कॉमन लेना है और इन में से अलग कॉमन लेना है। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, सबसे पहले तो इसमें से आ रहा है 3, और फिर आ रहा है x। 3 और x कॉमन आ रहे हैं इनमें से, और फिर अंदर क्या बचेगा, अगर 3 यहाँ पे आ गए तो 3x प्लस में, नहीं, यहाँ पर 3 नहीं आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, क्योंकि 3 × 2 = 6 होता है ना। हाँ, और फिर यहाँ पर क्या बचेगा, 5x, यहाँ पर 5x बचेगा, 3 × 5 = 15। हाँ, फिर यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा ना, तो हम 1 लिख सकते हैं। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 लिख सकते हैं हम, और फिर 2x + 5। पर इसमें ये दोनों सेम होने चाहिए, यहाँ पर सॉरी एक्स नहीं आएगा, ये 3x वाले में एक्स नहीं आएगा, 3x। तो अब इन दोनों को एक बार लिखना है, और जो बच गए ना इनको एक साथ लिखना है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो इसी टॉपिक पर आने वाली है, तो चैनल को ज़रूर विज़िट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।